हेलो गाइस मैं आपकी अपनी फ़िटनेस ट्रेनर पूजा भगत तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लोग इस तरीके से झुक के रहते हैं क्या आप भी ऐसे रहते हो ना झुक के इस टाइप से तो आपको अच्छा लगता है क्या नहीं ना तो ऐसे किसी को भी अच्छा नहीं लगता आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अगर हम झुक के रहते हैं अब झुक के रहने से क्या होता है ना कई लोगों को आपने देखा होगा झुक के रहना तो उनकी चाल भी बिगड़ जाती है अगर हम झुक के हैं तो चाल भी हम इस टाइप से चलते हैं ठीक और क्या है पेट भी हमारा साथ में निकल जाता है अगर हम झुक के रहते हैं तो नोटिस करना इस चीज़ को स्ट्रेट रहोगे तो एक अलग ही बात होती है आपका जो फिटनेस है वो अलग निखर के आता है प्लस आपका जो तो चाल है ना वो भी ठीक हो जाता है ये एक अलग बात हो गई अब बात करते हैं कि झुक के जो रहते हैं ये कई रीज़न होते हैं एक तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है जो ये वाला साइड होता है हमारा यहाँ पे क्या है ना कि कई लोगों का मोटापे की वजह से या किसी बीमारी की वजह से ये वाला चीज़ उभरने लग जाता है ये हिस्सा तो ये जब उबरने लग जाता है तो वो भी थोड़ा झुका देता है एक होता है हमारी आदत ख़राब की वजह से आदत ख़राब की वजह से जैसे मान लो कि आजकल क्या है ना कि ऑफिस वर्कर गए झुक के काम कर रहे हैं ठीक है, है लैपटॉप चला रहे हैं झुक के चला रहे हैं आजकल के बच्चे हो गए या बड़े हो गए बूढ़े हो गए हर कोई क्या करता है ना झुक के फ़ोन चला रहा है इससे क्या है ना कि आप लोगों की एक हैबिट बन चुकी है झुक के रहने की तो इस वजह से आप लोग जो आपका पोस्चर है वो खराब हो जाता है परमानेंट खराब नहीं है एक देखो शरीर का बनावट अलग चीज़ है और एक शरीर का बनावट अच्छा होते हुए भी बिगाड़ लेना और फिर उसी चीज़ में ढल जाना कि वैसे ही रहना है तो वो गलत है तो हम इसको सही कैसे करेंगे मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है दूसरा आप लोगों को आगे क्या करना है वो ही बताऊँगी चलो तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं सो so गाइज़ मैं आप लोगों को तीन ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपके जो एक पोस्चर है ना जो गलत बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा लेकिन उससे पहले मैं बताऊं अगर आप गलत पोस्चर में रहते हैं झुक के रहते हैं तो उस वजह से आपके बैक पेन भी स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी मालूम स्टार्टिंग में नहीं हो रहा चाहे मोटे हैं पतले हैं मैटर नहीं करता लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है कि दिक्कत ना हो लेकिन आगे चल के आपको पीठ में दर्द बैक में मतलब एक दर्द सा स्टार्ट हो जाता है चाहे कमर दर्द हो या पीठ दर्द हो वो काफ़ी लॉन्ग स्टम तक रहता है फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसे परेशानी को ना हो इस वजह से आप लोगों को अभी से सुधर जाना चाहिए सुधर किया जाना चाहिए खुद का लाइफ होता है भैया अपना पर्सनैलिटी होती है अपनी अपनी चॉइस होती है अब चलो एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्सरसाइज़ के लिए देखो मैंने यहाँ पर दो चीज़ें रखी हैं पहला तो ये इस टाइप का दुपट्टा ठीक है अगर आपके पास इस टाइप का दुपट्टा तो सबके घर में मिल जाता है अगर आप लेडीज़ हैं गर्ल्स हैं तो आपके पास तो हो गई अगर आप कोई बॉयज़ देख रहे हैं जेंट्स देख रहे हैं तो अब आप अपनी मम्मी का बहन का वाइफ का ले सकते हो ये दुपट्टा हो गया दूसरा क्या है ना कि अगर उससे बेटर आप लोग ना अगर दुपट्टा ले सकते हैं लेकिन उससे बेटर होगा इस टाइप का बैंड अगर इस टाइप का बैंड आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं किसी शॉप पे जहाँ पे मिलते हो स्पोर्ट्स के सामान तो वहाँ से ले सकते हैं तो इस टाइप का बैंड आपको लेना है जो स्ट्रेचेबल हो ठीक अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरे टाइप का बैंड आता है जैसा आप देख रहे हैं ये वाला बैंड भी आप ले सकते हैं तो इससे क्या होगा ना कि इससे बहुत सारे वर्कआउट करने में आपको आसानी होगी अगर घर पर वर्कआउट करते हैं तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले मैं आप लोगों को इससे दिखाऊँगी किस तरीके से वर्कआउट करना है पहला वर्कआउट हम करने वाले हैं इस बैंड से ठीक है तो इसे यूज़ कैसे करना है सबसे पहले देखो जी आपको ना ये दोनों हैंड पे इस तरीके से लपेट लो लपेटने के बाद ये इस तरीके से हो जाएगा और आपको ये इस तरीके से चलाना है जैसे ये हो गया बैक के लिए जैसे आप ये देखो फ्रंट आया और ये बैक आया ये इस तरीके से आपको करना है आप स्टार्टिंग में ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि जैसे एक दो तीन चार इस तरीके से करेंगे ठीक फ़र्स्ट एक्सरसाइज ये हो गया और इसको जैसे कि आपने ट्वेंटी uh, ट्वेंटी के थ्री सेट करने हैं यानी कि बीस बीस तीन बार करना है नेक्स्ट क्या करना है ना आप लोगों को जो ये है ये इस तरीके से आपको स्ट्रेच करना है ये इस तरीके से आप स्ट्रेच करोगे ये भी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टाइम यानी बीस बीस तीन बार करोगे और जब हमारा बीस हो जाए ना तो गाइस थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है यानी थर्टी या एक मिनट का रेस्ट आप लोगे ये हमारा बैंड से हो गया गाइज मैंने आप लोगों को बैंड से एक्सरसाइज बताई थी लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो आप दुपट्टा का भी इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन बैंड से थोड़ा ये ना कि स्ट्रेच हो जाता है तो अच्छा वर्कआउट हो जाता है तो लेकिन दुपट्टे से भी हम कर सकते हैं ये करना है। दुपट्टा हमने लिया ठीक सेम ऐसे ही प्रोसीजर होगा इसका भी ये देखो इस तरीके से करना है और इसका थोड़ा सा ये कंडीशन है कि बस इसे थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करने में दिक्कत आएगी तो आप इसे बढ़ा सकते हो पहले आप ये देख लें कि आपके हाथ कितना रहा है ये देखा आपने मेरा हाथ इतना खोल लिया मैंने तो ये ऐसे अब ये वाला हो गया ये देखो इस टाइप से आपको स्ट्रेच करना है ये वर्कआउट इसका भी सेम वही है सेम बैंड से कर लो या दुपट्टे से कर लो सो गाइज सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे ना आपको घर के दरवाजे के पास जाना है और अपना जो ये शोल्डर है इसके बराबर यहाँ अटका दो अपना हाथ सेम ठीक उसके बाद थोड़ा सा आपको होल्ड रखना है होल्ड रखने के बाद अपना एक पैर इस तरीके से बाहर निकालेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे फिर कम से कम 10 से 15 सेकंड आप होल्ड रहोगे फिर उसके बाद वापस आएंगे फिर दूसरा पैर फिर होल्ड ऐसे ही आपको क्या करना है ना कि आप इसे 10-15 बार रिपीट करोगे और उसके बाद आप स्ट्रेट रहना तीस सेकेंड के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा क्या रहेगा हमें चाहिए एक दीवाल ठीक है दीवाल पे आपको क्या करना है ना आपका ये शोल्डर ये और ये इस तरीके से माथा लगा के आप चिपक जाओ ली की तरह है. और ऐसे ही चिपके रहो कम से कम बीस तीस सेकेंड ऐसे ही रहना है आपको फिर उसके बाद डाउन हट जाना मतलब फिर सेम ये हाथ ऐसे ये ऐसे और ऐसे अभी इस टाइप से रहेगा आप खुद देखना आपको ना बहुत ज़्यादा जो आपका बैक है उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा काफ़ी ज़्यादा और इस टाइप से भी आपको होल्ड होना है कम से कम पंद्रह से बीस सेकेंड और यही रेपुटेशन आप दस से पंद्रह बार करो गाइज़ मैंने आप लोगों को तीन एक्सरसाइज बताए हैं एक्सरसाइज तो बहुत सारी हैं लेकिन आप इस तीन एक्सरसाइज को ही करो आगे मैं आप लोगों के साथ और भी एक्सरसाइज शेयर करूंगी लेकिन तीन एक्सरसाइज को आप डेली करना है आप लोगों को जैसे मैंने बताया है आप खुद देखेंगे जो आपका पोस्चर है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस आया है और आप एकदम जो आपका एक पर्सनैलिटी है ना कितना निखर के आता है और इससे अलग मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगी एक्सरसाइज तो ज़रूरी है लेकिन उससे अलग कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ध्यान क्या रखना है गाइज़ आप लोगों को सबसे पहले तो जैसे अभी कोई लैपटॉप चला रहे हैं फ़ोन चला रहे हैं या आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं कहीं पे भी ऐसा कुछ काम करें जिसमें कि आप लोगों को झुकना पड़ रहा है नहीं आपको झुकना नहीं है आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेट रहना है स्ट्रेट रहने की कोशिश करो ताकि जो ये पोस्चर आपका ठीक रहे दूसरा मैं आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगी अगर जैसे मान लो कि कंधा है हमारा तो इसमें आप देखेंगे ये भी ऐसे हैं ठीक है ना तो ऐसे है ना तो आप लोगों को क्या करना है ना अपने शोल्डर को इस तरीके से लेके आना है यानी कि मैं बैक से भी दिखाती हूँ ये है अब ये इस तरीके से लेके आएंगे फिर देखना कितना पोस्चर चेंज हो जाएगा जैसे ही ये झुका हुआ है मैंने ये लेके आई अब देख लो मेरा चेस्ट बाहर है ये बिल्कुल सीधा है और मैं बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही हूँ ये आपको तो इस तरीके से आपको पोस्चर रखना है और ऑटोमेटिक आपके, आपके हिप्स बाहर जाएंगे आप स्ट्रेट रहेंगे छीना बाहर जाएगा और आपका एक पर्सनैलिटी अलग आएगा शुरू शुरू में देखो दिक्कत होती है स्टेट रहने में लेकिन आप लोग जब धीरे धीरे अपनी आदत बनाएंगे ना तो आप लोगों की आदत बन जाएगी दूसरा जब आप स्टेट रहेंगे तो आपकी चाल भी अच्छी हो जाएगी अब आप लोगों को एक चीज़ और क्या ध्यान रखना है अपने घर में अगर आप हैं तो घर में सबसे कह दो जैसे ही मैं के रहूँ ना मुझे याद दिला देना मैं तुरंत सीधा हो जाऊँगा हो जाऊँगी अगर आप ऑफिस में हैं फ्रेंड्स में हैं तो सबको बोलो कि मुझे ना आदत चेंज करना है क्योंकि अकेले ना हम भूल जाते हैं कई बार तो हमारे सपोर्ट के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स दोस्त वही हमारी हेल्प कर सकते हैं तो जैसे ही अगर भूलें तो याद दिलाओ उनसे बोलो धीरे धीरे आपकी आदत चेंज हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी भी एक निखर के आएगा और जो बैक पेन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा बस स्ट्रेट रहना है कोशिश करना है गाइस कोशिश करते रहोगे ना तो आप खुद डिफरेंस देखोगे गाइज़ अगर मान लो कि आप चाहते हो कि मैं ना फैमिली से बोलूँ ना मैं दोस्तों से बोलूँ मैं सेल्फ अपने पर्सनैलिटी को निखारूंगा निखारूँगी आप अपना पोस्टर खुद ठीक करना चाहते हैं लेकिन माइंड में बार बार नहीं रहता तो जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं ना इस टाइप का एक प्रोडक्ट आता है इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहाँ से ही परचेस कर सकते हो ठीक है और ये आपका हेल्प क्या करेगा ना कि आप इसे पहन के रखेंगे ना? तो आपको एक याद रहेगा कि हाँ भाई मुझे सीधा रहना है और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको सीधा रखने में और आपकी पर्सनलिटी निखारने में आपका पोस्चर ठीक करने में तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिंक करो वहाँ से भी आप मंगा लो ठीक है जैसा आपको ठीक लगे भैया ऐसा करो हमारा कोई ज़बरदस्ती नहीं है मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों को ये लिंक दे रही हूँ ताकि आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सको और पोस्चर को ठीक कर सको एक पर्सनैलिटी अपना बना सको बाकी कोई भी क्वेश्चन होता है आप हमें कमेंट करके पूछिए उसका रिप्लाई मैं जरूर करूंगी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फिट रहो मस्त रहो हेल्दी रहो